थर्ड वीक की एलिमिनेशन में वंशज की प्लानिंग से डेयर ड्रैगन्स को मिला बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए वंशज मिले जय से। व्हाई वाज अयान राइट आफ्टर आई मेड अ प्रॉमिस कन्विंसिंग 8 पीपल टू गो अगेंस्ट मलिका। आउट ऑफ दोज 8 पीपल 4 वर माय फ्रेंड्स। आई केम टू नो इंस्टेंटली वी मेड अ प्रॉमिस व्हेन योर टीम एनी वन ऑफ योर टीममेट्स वर शैटरिंग। आई वाज आस्किंग देम टू ट्रस्ट ऑन यू, ठीक है? आई वाज हेल्पिंग यू, आई वाज मेकिंग श्योर अपन दोनों के बीच में कुछ ना है। जब एलिमिनेशन की बारी आई, एवरीवन वाज गोइंग फॉर मोनू और वंश। यू सेड इट वाज वंश व्हेन यू टोल्ड अस इट्स वंश। वी सेड कर लो, ठीक है? जब सेड नो कर लो, अयान सेड कर लो, देन व्हाई डिड अयान राइट आफ्टर दैट? आई एम टेलिंग यू क्या सीन था। जब सांगवान की टीम वंश, और उसमें ऑफकोर्स सांगवान की टीम उसको नहीं करती, उसका एक प्रीमेड डिसीजन था। तुम लोगों ने बोला था वंश हो रहा था, ठीक है? अब रही बात उधर की, जयंत पे थ्रेट आ रहा था। जयंत पे थ्रेट पहले क्यों नहीं था? क्योंकि हम दोनों का पैक था। मैं अमन और पार्थ बात कर रहे थे, मैंने दोनों को सेम चीज बोली थी कि जयंत डजंट डिजर्व टू गो, और मेरा तेरे से पैक्ट हो गया, तेरा नाम लिया था मैंने। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट हैपेंड एंड व्हाई वी टर्न, बिकॉज अयान इंडिपेंडेंटली वेंट अगेंस्ट आवर पैक्ट एंड कन्विंस्ड पीपल टू गो फॉर मलिका। उसने बोला कि वो नहीं कर रहा है बट तुम करो। तो एट द एंड ऑफ द डे जब मलिका जाती भी, मैं यान के पास आता भी, तो यान ये बोलता कि देख इन लोगों ने किया है और मैं तो तेरे साथ था।